इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम गोपालगंज जिले के बरौली थाना चौक से दिखा रहे हैं, जहां बरौली थाना चौक पर किन्नरों ने सड़क जाम कर वहां पर जमकर हंगामा कर रहे हैं। बता दें कि लॉकडाउन में शादी विवाह के मौके पर नाच गाना कार्यक्रम करने की मांग पर अड़े हैं। आपको हम बताते चले कि बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया है। वहीं शादी विवाह के कार्यक्रम पर पूर्णतः रोक तो नहीं लगाई गई है, लेकिन वहीं डीजे बजाने पर रोक लगाई गई है। साथ ही शादी विवाह में किसी प्रकार के कार्यक्रम करने पर रोक लगाई गई है। बताएं जिसको लेकर अब किन्नरों ने सड़क जाम कर बरौली थाना चौक पर जमकर हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं किन्नरों का कहना है कि हम लोग का जब भी दो पैसे कमाने का टाइम आता है, तब बिहार सरकार एक बार फिर लॉकडाउन लगा देती है, जिसको लेकर किन्नरों ने एक बार फिर बरौली थाना चौक पर सड़क जाम किया है और हंगामा कर रहे हैं। हम लोग का मांग ये है कि सारा चीज चल रहा है, पूरा तो नहीं चल रहा है। हम लोग एक साल जिस चीज का इंतजार करते हैं, लगन का, उसी लगन में लॉकडाउन लगा है। हम लोग एक साल सातार लिखते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पूरा पार्टी का प्रचार करते हैं इस महीने के लिए, लेकिन ये महीना जब आता है तो लॉकडाउन लग जाता है। लेकिन सब चीज पूरा दुनिया खुला है, 11 बजे तक का दुकान खोलने का परमिशन है, 11 बजे तक दुकान खोलने का परमिशन है, लेकिन हम लोग का प्रोग्राम भी कम से कम 2 घंटा चलना चाहिए। आपको जब इलेक्शन था तब कोरोना नहीं था। वो घोसड़ी वाला लोग खिलाएगा, जो सरकार का नौकर है।